आज की इस कक्षा में हम वर्ग एवं वर्गमूल पाठ के प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला इसमें तीन प्रश्न है, मैं पहला इसका एक प्रश्न पहला वाला लेता हूं। यह है 1+3+5+7+9। इसमें हमें योग की संक्रिया नहीं करना है, बल्कि ये योग की संक्रिया किए बिना योगफल निकाल रहा है। हम यहां देख रहे हैं कि ये संख्याएं कौन सी हैं। लगातार विषम संख्याएं हैं, एक से शुरू होकर लगातार विषम संख्याएं हैं। इसे हम गिनते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका योगफल हो जाएगा 5 का वर्ग यानी 25। आप प्रश्न नंबर 2 लेते हैं, बाकी इसके जो 2 प्रश्न हैं ये आप स्वयं बनाएंगे, मैं सिर्फ एक प्रश्न बनाऊंगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। पहला है, हम एक ले रहा हूं, लिख रहे हैं 43 और 44। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, 43 और 44 के वर्गों के बीच के प्राकृत संख्याओं की संख्या, अर्थात हमें बताना है कि अगर हम 43 का वर्ग करें और फिर 44 का वर्ग करें तो जो वर्ग आएगा इन दोनों वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो इसके लिए हमने पहले ही देखा है, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2n, और n क्या है, ये पहली वाली संख्या है, जो क्रमागत संख्या है उसमें से पहली वाली संख्या है। पहली वाली है यहाँ 43 या 43, तो ये हो जाएगा 2 × 43, अर्थात ये 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो ये हमारा उत्तर आ गया 86। अब इसका जो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर है इसे आप स्वयं बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3, यह क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो मैं पहला इसका प्रश्न ले रहा हूं, 23 का वर्ग। तो पहले हम 23 का वर्ग निकालेंगे, 23 का वर्ग हमारा है 529। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 529 को हमें 2 लगातार संख्याओं, 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में, जोड़ के रूप में हमें दिखाना है। तो हम कौन कौन सी संख्याएं लेंगे, चलिए इसके लिए एक ट्रिक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 529 में से 1 घटा देंगे, 1 घटा दिए तो ये हमारा गया 528। अब क्या करेंगे, 528 को 2 से भाग दे देंगे, अर्थात आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 4, ये 12, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8। तो 2 लगातार जो क्रमागत संख्याएं हैं, 2 लगातार संख्याएं हैं, वो उसमें से पहली संख्या होगी 264 और दूसरी हो जाएगी 1+2 = 65। देखिए जोड़ के देख लीजिए, 5 × 4 = 9 और 6 × 6 = 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 × 2 = 4 और 1 = 5। तो इस तरह से इसके वर्ग को, 23 के वर्ग को हम लोगों ने 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में दिखाया। इस पर अधिक और ज्यादा समझने के लिए
जो पूर्व में वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है, कुछ रोचक प्रतिरूप इसे आप देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। धन्यवाद।